पलवल में जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। गोली चलाने वाले पक्ष की ओर से 4 से 5 राउंड फायर किए गए। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने गोली चलने की घटना को मोबाइल में कैद कर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पलवल की कृष्ण कॉलोनी निवासी अरुण ने बताया कि कॉलोनी में इसका स्कूल है। स्कूल के पास ही कुछ जमीन खरीद रखी है और अपनी तरफ से छोटी सी 4 दीवारी भी कर रखी है। पड़ोस के एक व्यक्ति ने रात के समय 4 दीवारी कर उनका रास्ता बंद कर दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने पहले ईंटों से हमला किया और बाद में फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कृष्णा कॉलोनी में गली नंबर 16 में हमने अपना स्कूल बनाया हुआ है, तो स्कूल के साथ हमने एक ज़मीन खरीदी अपनी, जिसमें क्या था कि चारों यानी कि एक तरफ हमने अपनी बाउंड्री वगैरह करी थी। उस बाउंड्री को छोटी सी बाउंड्री थी, उन्होंने रात रात में हमारे पड़ोसी ने, जिनमें महकन, उसका पति, उसके दोनों लड़के, एक तेजराम और तेजराम की लड़के की घरवाली जिसका नाम श्याम है, लड़के की घरवाली चंद्रवती है, चंद्रो या चंद्रवती जो भी नाम था, तो उन्होंने क्या किया, वो दीवार रात रात में चिंदी, उसके पीछे घुसके कट्टे वगैरह रख दिए, जिससे कि वो हमारा रास्ता ना खोल सके। हमने वो जैसे ही वो 2-4 ईंट हटाना स्टार्ट किया, उन्होंने दूसरी तरफ से गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। तेजराम और उसके लड़के ने मेरे को धमकी दी कि मैं तुझको गोली मार दूंगा, ये सारी बातें मेरे से बोली। उन्होंने कम से कम 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई थी वहाँ पे। गोली किस किस को लगी हैं? गोली जिनमें 1-2 लेडीजों को लगी हैं, छर्रे जो लगे थे और 2 लेडीजों को और 1 मेरे को लगा है, जो 3-4 जगह जो लगे थे। गोली किस किसने चलाई है? गोली तेजराम ने चलाई थी और क्या कहते हैं जो उसका लड़का था, ये मेरे को पता नहीं, लड़के ने चलाई नहीं चलाई क्योंकि वो छत की तरफ से गोलियां चला रहे थे। अच्छा, तो और आस पड़ोस में कौन कौन लोग शामिल थे इस पूरी वारदात में? आस पड़ोस में जो जिसके घर पे वो बैठे हुए थे, तो वो लोग तो सभी शामिल ही हैं। उसकी जो महकन की दोनों लड़कियां, वो गलत तरीके से बातचीत करते हैं, एक का नाम पूनम है, तो ये सभी शामिल थे। कैब थाना प्रभारी यादराम ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। घायलों को अस्पताल में भिजवाया गया है। फिलहाल किसी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत मिलते ही मामले के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परमवीर सिंह है, एक रिटायर्ड एसआई जो नारनौल से 2019 जून में रिटायर हुआ है। उसका प्लाट बाबत रामेश्वर, तरुण, अरुण वगैरह जो श्यामनगर के रहने वाले, उनका कोई आपसी विवाद था, जो अभी संज्ञान में आया था कि भाई आज गोली चली है। कंट्रोल रूम के माध्यम से चौकी इंचार्ज जो फिलहाल रामजी ने एसआई, उनके माध्यम से सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुँचा। इंचार्ज साहब भी मौके पर पहुँचे, डीएसपी साहब मौके पर आए। अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी सूचना कंप्लेंट प्राप्त नहीं है हमारे पास, लेकिन जो इतला थी फायर हुआ है और घटनास्थल से हमने एक रौंद भी और एक सिक्का भी उठाया है और ये मालूम हुआ है कि भाई इनका जो प्लाट पे विवाद था उस पे झगड़ा हुआ है और अभी जो एक पार्टी थी जिस पे इंजर्ड है, लगभग छर्रे लगे हैं दीवार पर, छर्रे लगे हैं। कितने लोगों को छर्रे लगे हैं उसमें? जिसमें 4 आदमी हैं छर्रे लगने वाले, जो अभी जीएच में और नॉर्मल। विवाद किसको लेकर हुआ था सर? विवाद एक परमवीर एसआई है जो अभी रिटायर बता रहे थे, वो अभी हुआ है जून 2019 में और ये रह रहा है अपना कृष्णा कॉलोनी में। इसका प्लाट है, कोई प्लाट का विवाद है उस बाबत जो है ना, इसने कोई तेज राम है, रिटायर्ड फौजी, दतीर का रहने वाला है, उसने फायर किया है। जो फायर की गई गोलियां हैं वो कट्टे से फायर हुई है या फिर लाइसेंस रिवॉल्वर? ऐसा लग रहा है गुनाली जो होती है, लाइसेंस ही बता रहे हैं, फौजी रिटायर्ड है। इसके अभी तक जांच का विषय जो भी बात सामने आएगी रिकवर कर लिया। फिलहाल देखना होगा कि गोली चलाने की इस घटना के बाद किस पक्ष की ओर से पुलिस को क्या शिकायत दी जाती है और पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। भारत 9 के लिए पलवल से ज्योति खंडेलवाल की रिपोर्ट।